हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप तो बहुत बहुत अच्छे होंगे। हाँ, टी पार्टी हो रहा है हमारा। और ये इतना कोजी है तो मैं हर रोज अभी सुबह उठ के पहन लेती हूँ। किसने गिफ्ट किया है? वेलकम माय प्रेजेंट। ओके ओके। और जैना अपने प्रेजेंट्स लेके आजकल बहुत बिजी रहती है, विच इज अ गुड थिंग। शो देम। जैना ने ये बनाया, अभी उसका हैंडराइटिंग भी बहुत बेहतर हो गया है, लिखने लगी है अभी। गुड। इवन आई राइट इट, आई लव यू। गुड। सैटरडे है तो स्लो स्टार्ट ऑफ द डे। लंच बनाऊंगी आज एकदम सिंपल सा। कल हम थोड़ा बाहर गए थे चक की चीज, और फिर बाहर खाना खा लिया डिनर, तो मेरा टमी अभी अपसेट है। बाहर का खाना इतना ज्यादा स्पाइसी होता है ना। एनीवे, आज सिंपल दाल चावल आलू चोखा और बीन्स वगैरह बनाऊंगी। के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सिंपल और बंगाली का बहुत फेवरेट ये है खीर, थोड़ा ही बचा है, उसके साथ मुरमुरी मिक्स करके। हमें ना ये बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ठंडा खीर में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा खीर विथ क्रिस्पी मुरमुरा बहुत यमी लगता है। और अभी तो विंटर है, विंटर में गुड़ का खीर साथ में मुरमुरा इट्स लाइक फेवरेट। तो आज हम यही ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और यहाँ पे बाप बेटी ने घर को बना लिया है फुटबॉल का फील्ड। Okay, फुटबॉल खेला जा रहा है घर पे। ये देखिए ऑयल हो गया है। और ये आज मैं बनाने वाली हूँ ये शीम। ये मेरे शहर में ना इंडिया में ये लाल लाल टाइप का मिलता है, लाल और ग्रीन मिक्स और थोड़ा सा और बड़ा सा, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये फिश के साथ भी बनता है, और ऐसे वेज में भी ना सरसों या पोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पे वो बड़ा वाला रेड रेड वाला तो नहीं मिलता, तो यही आज खाएंगे हम। बट मैं सरसों पोस्तों कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला आज मुझे एकदम मेरा खाना बन चुका है। मिठुन सो रहा है और जैना वहाँ पे मेरी बहन के साथ बात कर रही है। आई थिंक 2 घंटा हो गया। तो मेरी बहन ना उसे काफ़ी बिजी रखती है, वो अपना काम भी करती रहती है और साथ में जैना के साथ भी खेलती रहती है, तो दिन में यही चलता है। तो अभी मैं थोड़ा सा किचन क्लीन करूँगी एंड देन नहाएंगे। अभी हम रवाना हो रहे हैं टेम्पल के लिए। मैंने एक सलवार पहन लिया, बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने जैकेट पहना, और जैना और मिठुन ने नॉर्मल। तो अभी मिठुन दुकान से फूल ले लेंगे, और यहाँ पे एक रसगुल्ला का कैन मैंने पहले ही लेके रखा था, क्योंकि हमारे आसपास कोई इंडियन स्टोर नहीं है, थोड़ा सा जाना पड़ता है, लाइक 25 मिनट्स अराउंड। तो मैंने पहले ही लेके रखा था, तो ये और फूल लेके अभी जाएंगे। आज शायद कुछ पोंगल या कुछ है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो ओकेशन है इंडियन, तो टेम्पल में भी मनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मंदिर से मीठा चावल प्रसाद में था, वो खा के अभी मंदिर में ही ना एक कैफ़े है, हमने थोड़ा सा चाय और भी कुछ कुछ मंगाया, आएगा तो दिखाती हूँ। ये है जैना, इसको खाना है समोसा, राइट? मैं ये सलवार पहन के आई हूँ। ये मैंने डोसा ऑर्डर किया है, ये मिठुन का पूरी और छोले। यहाँ पे ना इस हॉल में दुर्गा पूजा भी होता है, और यहीं पे कॉर्नर में कैफे है, और यहाँ सब बैठ के खा रहे हैं। समोसा।
कर लिया। खाना ना काफ़ी अच्छा था, लाइक घर के जैसा। शुक्र है हमारा खाना, मेरा तो डिनर हो गया। मैंने एक डोसा खा लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल घर में जिस साइज का बनता है ना उसी साइज का था, बट काफ़ी फिलिंग और तेल वगैरह ज़्यादा नहीं था सांभर में। इट वॉज वेरी गुड। और साथ में पीनट चटनी दिया था, रियली गुड। चलिए अभी और एक बार दर्शन करके घर चले जाएंगे। हो गया, हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद, लेमन राइस, एप्पल, वो सब भी मिला है। वहाँ पे ना लोहड़ी हो रहा है, मतलब अभी ख़त्म हो गया बॉनफायर वगैरह। हम ठंडी की वजह से गए नहीं, तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं। करीब 2 घंटा थे, अच्छा लगा काफ़ी। मंदिर आते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं भूली गई थी मंदिर के अंदर, और आरती वगैरह हो रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। जो मैं बोल रही थी, ऑपोजिट में ना हो रहा है लोहड़ी का वो बॉनफायर। ठंडी के लिए हम नहीं गए, हम मंदिर के अंदर ही थे, वहाँ भी आरती वगैरह हो रहा था, लोग थे, काफी अच्छा लगा। 22 तारीख को है राम जन्मभूमि का, ये इधर में भी सेलिब्रेशन होगा, तो हम लोग भी आएंगे फिर। आई होप हम आएंगे 22 तारीख को, हमारा कुछ काम भी है, बट हाँ शाम तक तो फ्री हो जाएंगे, आई होप आएंगे। यहाँ पे तो 23 तारीख हो जाएगा ना, तो फिर दो दिन है ना, 21 और 22 दोनों दिन यहाँ पे राम जन्म स्थान ओपनिंग के लिए यहाँ भी फंक्शन है। काफ़ी अच्छा होता है, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सारे रीजन का सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। 26 जनवरी भी सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ ही ऐसा है क्या? हाँ, बोला है 26 जनवरी का भी। इट्स क्वाइट गुड। तो चलिए अभी घर चलते हैं। हम वापस, और मंदिर से इन दोनों ने ये सब खरीदा है, या स्नैक, और इस लड़की को खाना है गुलाब जामुन। कितना सारा दिया है भाई, 5-6 गुलाब जामुन सिर्फ $2 में। तो ये सब लेके आए हैं अभी, और थोड़ा सा ना जैना को अभी कुछ नहीं खाना, वो समोसा पूरी वगैरह खा के आई है, मैंने तो डोसा खा लिया। ये है प्रसाद, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है लेमन राइस, बट अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैं रख दूंगी, कल सुबह उठ के खा लूंगी। काफ़ी अच्छा बनता है मंदिर में। तो बस अभी मैं भी थोड़ा किचन समेटा ही हुआ है, जो दाल वगैरह बचा है वो अंदर रख के सोने चली जाऊंगी। सोऊंगी तो नहीं, अभी 9 भी नहीं बचा है, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा TV देख के फिर सो जाऊंगी। ओह गॉड, ये लड़की अभी बनाने के लिए लेके आई है, लेट्स सी। तो चलिए आज इसी के साथ मैं ब्लॉग खत्म कर देती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलती हूँ माय ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।